गिलगित बल्तिस्तान के इन खूबसूरत मनाजिर को देख के आपका दिल मचलने तो लगेगा। मुझे पता है कि इस वक्त लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद, कराची में सख्त गर्मी है और इस गर्मी से निकलने का वाहिद हल है गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरत और ठंडे वादियों का रुख किया जाए, क्योंकि आजकल पाकिस्तान में इतनी महंगाई है कि हर किसी को यह मौका नहीं मिलता कि वो फैमिली दोस्तों के साथ गिलगित बल्तिस्तान के खूबसूरत और ठंडे मनाजिर को करीब से देखने का उसको मौका मिले। अगर आपको खुद घूमने का मौका नहीं मिलता है ना, कोई बात नहीं, आज मैं आपको लेके जाऊंगा और गिलगित बल्तिस्तान के खूबसूरत वादियों की वर्चुअली सैर कराऊंगा। अपने प्यारे दोस्त नदीम भाई को भी अपने साथ लेने के लिए पहले मैं उनके घर गया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ महबूब अली एंड यू पीपल आर वॉचिंग माउंटेन एडवेंचर व्लॉग्स। तो मैं आया हूँ नदीम भाई के घर। नदीम भाई की प्यारी बेटी हरीम से पहली बार मिलने का इत्तेफाक हुआ और उसके बाद नदीम भाई ने कुछ चेरी उतारे और बड़े मज़े से खाए। जब भी चेरी खाने का मन करता है ना, हम नदीम भाई के घर आते हैं। नदीम भाई के घर के सहन में 3-4 वेराइटी की चेरी है और सबसे टॉप क्लास की ये रही चेरी। अब सही टेस्ट आया हुआ ना, एकदम गर्मी पड़ के ऑलमोस्ट सब जगह में एक साथ ही चेरी तैयार हो गई है और इस दवा चेरी की प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। इस वक्त हमारे पास लोकार्ड भी बिल्कुल तैयार है, याद है, बड़े मजे के। ये लो बच्चों खाओ लोकार्ड। सही जूसी है। जैसा कि आपने देखा कि नदीम भाई के घर में बहुत वैरायटी के फ्रूट्स हैं, चेरी है, लोकार्ड है, जापानी फल है। नदीम भाई तैयार हो रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, उस दौरान सिनेमैटिक व्यूज एंजॉय करो। आज के ट्रिप में मैं हूँ, नदीम भाई है और ये हमारे बच्चे हैं। फाइनली हम पहुंच गए जगलातपुर। अंजुम आज बहुत एक्साइटेड है क्योंकि इसके बहुत अच्छे दोस्त आए हैं एक साल बाद। दिस इज चश्मा होटल। हसनैन भाई हमें यहाँ पे मिले हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हसनैन भाई? ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। चेरी तो मजे से खाते होंगे। क्या बात, चाय पिलाते आपको? चले, बहुत शुक्रिया सर। मजे के चेरी और ठंडे ठंडे पानी में इनको ठंडा करेंगे, फिर मजे से खाएंगे। नदीम भाई, क्या ठंडी जगह है। वाइब्स बड़े चिल हैं भाई इधर चश्मा होटल पे। आसपास ना बहुत गर्मी है तो इसलिए लोग स्पेशली यहाँ आते हैं। चाचू, क्या नाम है आपका? अरे खान। कहाँ से आए हैं आप? अस्तोर से, घूमने के लिए। हम लोग तो अस्तोर का सोचते हैं कि हम अस्तोर जाएं, वो खूबसूरत जगह। अस्तोर बहुत ठंडी जगह है ना, खुबानी ही जा जा के अगस्त सितंबर में पक जाती है और मौसम खत्म। नदीम भाई के सबर का पैमाना लबरेज था और खाना आ ही गया। चश्मा होटल पे मजेदार कढ़ाई खाने के बाद अपने बच्चों की फरमाइश पे हम सीधे आ गए ठंडे पानी के तालाब में, जहाँ हमारे बच्चों ने बहुत इंजॉय किया और अंजुम का तालाब में नहाने का पहला एक्सपीरियंस था। पहले हम लोग पूल के मजा उठाने। ये पूल है, पूल है। हम लोग क्या कह लो। जैसे हम थो लाला पहुंचे, अफजल मुझे मिले, ये मेरे शागिर्द हैं, अभी तो ये बड़े बिजनेसमैन बन गए हैं। शेर अफजल की रिक्वेस्ट पे एक कप चाय पीने के लिए उनके रेस्टोरेंट में बैठे और नदीम भाई हमेशा की तरह चस्के लेके चाय पीने लगे। ये हमारे देसी कल्चर के चम्मच है, सूप और डोडो के लिए दो काम आते हैं, सूप डोडो खाने के लिए ये भी दो काम आते हैं, रोटी बनाने के लिए, माओं को बच्चों की धुलाई करने के लिए।
आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना ड्रोन फ्लाई किया जाए, ताकि आप लोग भी वर्चुअली मेरे साथ इन खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय कर सकें। इन खूबसूरत ड्रोन शॉट्स को दिखाने के लिए मेरी स्पेशल सपोर्ट की है मेरे सब्सक्राइबर मुनीर साहब, जो कि लंदन से ताल्लुक़ है जिनका, और उनकी सपोर्ट की वजह से आज मैं कामयाब हो गया कि ये ड्रोन शॉट्स आप लोगों को दिखाऊं। ट्रैवल वीडियोस देखने के लिए आप भी हमारे काम को सपोर्ट करें। और अब हम जाएंगे यहाँ से काकापोशी भी पॉइंट। पहुंच गए। आज के टूर में नदीम भाई मेरे हेल्पर हैं। ये सामान बैग शेक जो भी चीज़ चाहिए हो ना, वो ये मेरे साथ लेते हुए चलते हैं। नदीम भाई की मदद के बगैर व्लॉग बनता ही नहीं है। क्या ख्याल है नदीम भाई? नो कमेंट है। और पर डे इनको मैं ना करता हूँ नदीम भाई को दो कप चाय पिलाते हैं, औकात ये है बंदे की। गाइस हम पहुंच गए राकापोशी भी पॉइंट, देखें। वाह, अमेजिंग। और सबसे खूबसूरत जो चीज़ आपको दिख रही है ना, ये राकापोशी का नज़ारा। राकापोशी पिक क्लियर है, कोई धब्बा कोई क्लाउड कुछ भी नहीं है और साफ सुथरी दिख रही है। फिर बात देखे जी। असिस्टेंट साहब देख, भारी तो नहीं है? अगर भारी है तो रेट बढ़ा देता हूँ। नहीं नहीं साहब, भारी नहीं। खुश है आप? बस आप खुश है तो हम खुश है साहब। बहुत अच्छा। मुलाजिम को भी तो खुश कराना चाहिए ना, साथ आता है मेहनत करता है बेचारा, उसका भी हक बनता है। क्या कहे बंदा, वरना जुल्म है ना, मुलाजिम को भी एंजॉय करने का हक देना चाहिए। ऐसा नहीं है, दुनिया को हकीकत का पता है, हम क्यों बोले। दुनिया खुद आजकल लोगों लोग जो ना फेस एक्सप्रेशन से पता चलता कौन मुलाजिम है कौन सेफ है, मुंह से बोलने की जरूरत नहीं होती। राकापोशी वे पॉइंट पे एक अच्छा टाइम गुजारने के बाद बिल आखिर शाम के टाइम हम वापस घर को लौटे। और इस वीडियो के आखिर में मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, इन वादियों को देखने के बाद वर्चुअली आपको कैसा एक्सपीरियंस हुआ, जरूर कमेंट करके मुझे बताना। और अगले वीडियो के लिए इंतजार कीजिए, बहुत जल्द नया व्लॉग आने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।